You're watching City News 24x7. आप सबका इस्तकबाल सिटी न्यूज 24x7 पर। असदुद्दीन ओवैसी साहब से उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल पर तवज्जो देने की अपील। आवाम को हो रही है मुश्किलात, खुद AIMIM के कारकुन ने दिया है ये बयान, क्योंकि 1 से 2 घंटे में डॉक्टर की लापरवाही और ऑक्सीजन ना होने से 2 अफराद की हुई है मौत, जिनमें पुराने शहर से हसन नगर के हबीब उनीसा और तालाब कट्टे के मोहम्मद सलीम शामिल है, जिसकी मजीद तफसीलात इस वीडियो में देखा जा सकता है। हर अहम खबरों के लिए सिटी न्यूज 24x7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। मैडम आपका वीडियो इन लोगों ने क्या है, आपका आदमी खोले तो भी काम नहीं कर रहा, वो बोल रहे भाई आप बात नहीं कर रहे, खोल के देखे तो भी नहीं काम कर रहे, आप क्या बोल रहे मेरे को। ठीक है इधर आगे आप। इधर मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मेरे वालदा का नाम हबीब मिसा है। मेरे वालदा को लेके आया था शाम के टाइम 4 बजे के टाइम भाई, तब मारा था इनको बहुत। यहाँ के जू में ट्रीटमेंट किया था, एडमिट कर दो बोल के बोले, एडमिट करे तो वो ऑक्सीजन लगाए, ऑक्सीजन 3 घंटे लगाए साहब, हम ऑक्सीजन आ रहा समझे, वो ऑक्सीजन मेरे वालदा को मिला नहीं, वो मेरे वालदा को नहीं मिला। इस स्थिति में एक बच्चा आया आगे बोला भाई ऑक्सीजन ख़राब है, बोले दूसरे ऑक्सीजन लगा, वो ऑक्सीजन 1 घंटा आया, 1 घंटा वो भी ख़राब हो गया। वो ख़राब होने से डॉक्टर साहब आया, इंजेक्शन दिए, इंजेक्शन दे के मेरे वालदा का इंतकाल हो गया। फिर डॉक्टर साहब आए आगे ए सी जी निकाल के जो गए ना, आधे घंटे बाद रिपोर्ट आती बोल के बोले नो, वो गए तो डॉक्टर साहब उधर ही चले गए, आए नहीं, ना डॉक्टर साहब आए ना नर्स आए, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। और आधी रात को आया वाला साहब, मेरे वालदा को हाथ पर उठा के, एक व्हील चेयर नहीं है सर, किसकी व्हील चेयर, वो तो नहीं है बोल के, वो जरा खुला बोल दे रहे व्हील चेयर नहीं है बोल के, ऐसा कैसा करेंगे बोलो गरीबा। मेरे वालदा तो चले गए, 3 ने 4 जने को ICU में इंतकाल हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिलने से, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा कुछ, कैसा करेंगे बोलो। हमारा साल है कि मिजाज ख़राब है, यहाँ उस्मानिया को लेके आए शाम में 7 बजे के टाइम, उनको दम चढ़ रहा था, 7 बजे शरीक करके उनको जो इमरजेंसी में जो देखना था देखे, इसके बाद ICU में शिफ्ट करे, वहाँ पर शरीक करने के बाद कोई डॉक्टर आके देखा नहीं। मैं सुबह आया टिफ़िन लेके, तो उन्होंने अच्छे थे, बात कर रहे थे, मैं बैठा थोड़ा गन्ने का जूस पिलाया, उनसे बात किया, कोई डॉक्टर नहीं है। मैं हमारे MLA साहब अहमद पाशा खादरी साहब को फ़ोन किया, साहब मेरे को क्या है सो MRO से बात करता हूँ बोले, जैसा उन्होंने MRO से बात करे, इसके बाद डॉक्टर आया, आज तक बच्चे का डेट होगा 1 घंटा वाला डेट हो गया, और 1 घंटे तक कोई आगे देखने वाला नहीं। मेरे बाजू वार्ड में और 3 डेट हुए, उनको भी कोई देखने वाला नहीं है, टोटल 1.5 घंटे के अंदर 4 डेड बॉडियाँ हुए एक वार्ड में, और यहाँ डॉक्टरों की इतनी लापरवाही है। हमारे साथ जो हुआ किसी और के साथ ऐसा नहीं होना, हम MLA साहब MIM से गुजारिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से, ये उस्मानिया पे ज़रा आप डॉक्टरों से बात कीजिए साहब, जो बहुत बहुत लापरवाही हो रही है डॉक्टरों की यहाँ पर। मैं अहमद पाशा साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रा उस्मानिया में MRO से बात करके डॉक्टरों की लापरवाही को हटाइए साहब। मैं भी एक MIM का कारकुन हूँ, एरिया प्रेसिडेंट, ऐसे कोविड के वार्ड में एडमिट करे थे, और सुबह से तो कोई आके देखे नहीं, और इनका इंतकाल भी कब हुआ वो भी नहीं मालूम। MLA साहब अहमद पाशा खादरी साहब को फ़ोन करने के बाद उन्होंने RMO को फ़ोन किया, RMO साहब जब एक डॉक्टर को भिजाए, वो डॉक्टर साहब आकर बोले कि बच्चे का डेट हो गया, वो डेट कब 1 घंटा पहले हुआ भी नहीं मालूम, कोई डॉक्टर आ नहीं है, पूरा लापरवाही है उस्मानिया हॉस्पिटल में। बच्चा देखिए आप 30
30 साल का था, मोहम्मद सलीम है बच्चे का नाम। इसको खाली दम चढ़ रहा था, लेके आए, नौजवान बच्चा है, इंतकाल होगा उनका, कोई देखने वाले नहीं है। इंतकाल होने के बाद एक घंटे के बाद आए अहमद पाशा खादरी साहब फ़ोन करने से, MLA साहब एक घंटे के बाद आ गए, वो ECG निकाल के डेड होगा, बोले कब हुआ वो भी नहीं मालूम। अंदर भी कहीं आप जा रहे हैं आ रहे हैं, 10-20 रुपए दे के अंदर जाना, 10-20 रुपए दे के वापिस आना, बगैर पैसों के भी कुछ भी नहीं हो रहा। किसको देना है पैसे? वो काम करने वालों को, वार्ड बॉय को, दौड़ करने फेरेस वाले को, एक्सरे निकाले तो पैसे, वो कवर लाया तो पैसे, कुछ भी लाया तो पैसे। ये फ्री का है बोले ना भाई, देख रहे भी नहीं डॉक्टर ना, तो भाई इनकड़े नाम को नहीं आ रहे, गाली देना पड़ रहा। अब जान चले गए हमारे खाला, क्या करना बोलो आप। पूरे चोरा हैं, एक से बढ़ के एक चोरा है, एक नहीं एक से बढ़ के एक चोरा है अंदर, एक ढूंढो हजारों मिलते नहीं, यहाँ यहीं से। क्या हुआ, ट्रीटमेंट क्या करा रहे? कुछ भी नहीं करे, रात में तबीयत खराब हो गई, वाल बंद थे उनके, लेके आगे एडमिट करे। वो तो वाल दूसरी जगह चल रहा था, दम का था, दम का ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन हैदराबादी बिरयानी जो दुनिया भर में मशहूर है और बड़ी शौक से खाई जाती है। शहर हैदराबाद की सबसे कदीम और मशहूर होटल जो लजीज पकवानों से जानी जाती है, मदीना होटल, जहां बेहतरीन लजीज बिरयानी, इंडियन, मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज पकवान और वेज नॉन वेज दस्तियाब है। मदीना होटल का जायकेदार पकवान जो आपके दिल पर छा जाए, एक बार आए तो बार बार आने का दिल करे। एक बार जरूर तशरीफ लाए मदीना बिल्डिंग, पतरगटी, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9052063454 या 9600311148।